अब खबर जनपद चमोली से है, जहां गढ़कोट गांव में मौजूद राजकीय इंटर कॉलेज में कुछ दिन पहले शिक्षा विभाग ने एक झटके में 9 शिक्षकों का तबादला कर दिया, जिनमें 3 सहायक अध्यापक और 6 प्रवक्ता हैं। जानकारी के मुताबिक अब विद्यालय में मात्र 4 शिक्षक ही बचे हैं और इसी बात को लेकर क्षेत्र की जनता और अभिभावकों ने कड़ा विरोध जताया है। आपको बताते चले कि राजकीय इंटर कॉलेज में 160 के करीब छात्र छात्राओं की संख्या मौजूद है, लेकिन अब उनको पढ़ाने वाले शिक्षकों का तबादला कर दिया गया और इसी सिलसिले में बुधवार को अभिभावक को शिष्टमंडल जिलाधिकारी और मुख्य शिक्षा अधिकारी से शिक्षकों के स्थानांतरण को रोकने के लिए वार्ता करने पहुंचे। शिष्टमंडल ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य शिक्षा अधिकारी और जिलाधिकारी ने छात्र हित में संज्ञान लेते हुए फिलहाल स्थानांतरित दिए गए हैं। वहीं शिक्षकों को वर्तमान विद्यालय में ही अध्यापन कार्य जारी रखने के निर्देश भी दिए। साथ ही जब तक अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज गढ़कोट में शिक्षकों की नियुक्तियां नहीं हो जाती, तब तक स्थानांतरित हुए किसी भी शिक्षकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। इस निर्णय को लेकर सभी क्षेत्रवासियों ने जिलाधिकारी और मुख्य शिक्षा अधिकारी का आभार जताया। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। 160 बच्चों का यह विद्यालय है और अटल उत्कृष्ट विद्यालय है, इसके बाद तुरंत इनका स्थानांतरण हो जाएगा। यहाँ पे कौन चलाएगा हमारे विद्यालय को? इतने बच्चे आप देख ले, 160 बच्चे, 155 बटे 150 से 160 बच्चे हैं यहाँ पे। इतने अभिभावक यहाँ पे आ गए, इन लोगों की अभी मीटिंग हो रही है, इनकी इनका ये दुख को कौन देखेगा इसके के बारे में? उस देहरादून के लिए आप भेज रहे, जहाँ पे पहले कॉन्वेंट है, इंग्लिश मीडियम है, प्राइवेट टीचर सरकारी टीचर है, प्राइवेट स्कूल है सरकारी स्कूल है, और यहाँ तक जो है धर्मार्थ विद्यालय भी है। हमारे पास यहाँ का एक भी टीचर, यहाँ का जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है उसको आपने नीचे भेज दिया। जो एक टीचर था गढ़वाल का टीचर था, उसको भी आपने बोला तू देहरादून में आ जा, तो यहाँ कौन रहेगा? यहाँ की पीड़ा को कौन समझने वाला? माननीय मुख्यमंत्री जी, तो हमारा आपसे बिना निवेदन है, अगर हमारे विद्यालय में आप लोग तुरंत टीचर, जब तक टीचर नहीं आते हैं तब तक हमारे इनको यथावत रखा जाए। चाहे आप कोई भी टीचर हमको, तो हमें आप प्राइवेट, आप हमको गेस्ट टीचर दे दीजिएगा, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ चमोली से संवाददाता संदीप कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, जिस तरीके से देखा जा रहा है, अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज में 9 शिक्षकों के तबादले किए गए, उसके बाद से वहां पर रोष देखने को मिल रहा है और पूरे तरीके से मांग भी की जा रही है कि ये तब तक कार्यरत रहेंगे जब तक और शिक्षकों की नियुक्ति वहां पर नहीं हो जाती। इस वक्त वहां किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, ये तहसील के अंतर्गत गढ़कोट राजकीय इंटर कॉलेज का मामला है, जहां 9 टीचरों का एक दिन से हाल ही में ही उनका स्थानांतरण कर दिया गया। जो मुख्य डिफेक्ट है वहां पे गणित, फिजिक्स, बायो, इंग्लिश, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी के प्रवक्ता और मैथ, हिंदी, इंग्लिश के जो एलटी के टीचर, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। पहले से वहाँ पे 4 अध्यापकों के साथ रिक्त चल रहे हैं, बाकी इसके अब जो विभाग है उसके द्वारा 9 टीचरों को एकदम ट्रांसफर कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे विरोध सर उसमें है, क्योंकि 160 विद्यार्थी वहाँ पे पढ़ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से तो वहाँ पे टीचर की व्यवस्था थी और एकदम से उनका ट्रांसफर किया जाना, कहीं ना कहीं उन्होंने आज जिलाधिकारी और मुख्य शिक्षा अधिकारी से मिले। हालांकि जिलाधिकारी और मुख्य शिक्षा ने आश्वासन दिया है कि जब तक कोई उनके बदले टीचर नहीं आ जाता वो कार्यमुक्त नहीं होंगे। लेकिन इस तरह से चमोली जिले में तमाम विद्यालय हैं, चाहे गौचर की बात करें, वहां भी 7 से 8 टीचरों का ट्रांसफर हो गया है, तो वहां भी विरोध के स्वर उठ रहे हैं। कहीं ना कहीं विभाग की ये तो लापरवाही सामने आ रही है कि एकदम से टीचरों का ट्रांसफर कर दिया गया है, उनके बदले कार्यमुक्ति के लिए कोई टीचर नहीं भेजा गया है, तो कहीं ना कहीं ग्रामीण वहां पर रोष का विषय बना हुआ है। जी वहीं संदीप, अगर बात करें तो हम सरकार का शिक्षा के क्षेत्र पर ज्यादा फोकस रहता है, ज्यादा गंभीर सरकार रहती है, और जिस तरीके से ये तबादले किए गए हैं, स्थानांतरण किया गया है, इसका क्या मुख्य कारण माना जा सकता है? अगर ये बताते हैं, आजकल ये ट्रांसफर का सीजन चल रहा है, तो अध्यापकों से अनुरोध के आधार पर हो या सुगम से दुर्गम जगह ट्रांसफर करना, तो आजकल 31 जुलाई तक ये होना है। तो कहीं ना कहीं ये गढ़कोट जो है आदर्श उत्कृष्ट विद्यालय, अटल उत्कृष्ट विद्यालय भी है, यहाँ पे गुणवत्ता शिक्षा की बात विभाग कर रहा है, लेकिन एकदम से 9 टीचरों को विभाग ने ट्रांसफर कर दिया और दूरस्थ गांव गढ़कोट में 160 विद्यार्थी वहाँ पे पढ़ रहे हैं। अगर ये टीचर अगर चले जाते तो वहाँ पे उनके बदले कोई टीचर जाएगा ही नहीं, कहीं कहीं ना कहीं ग्रामीणों रोज का विषय बना हुआ है। वो साफ तौर पे कहा कि अगर जाते हैं तो वे एक विरोध आंदोलन करने को मजबूर होंगे। जी
ठीक है संदीप कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि चमोली के इस अटल राजकीय विद्यालय में कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये तबादले का सीजन चल रहा है और इसी को लेकर 9 शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया है, जिसके बाद से ग्रामीणों में काफी रोष देखने को भी मिल रहा है। चमोली में कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि बच्चों का भविष्य अंधकार में है, क्योंकि लगातार मांग की जा रही है कि 9 शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया है और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि वहां 160 छात्रों की संख्या है और 4 टीचर्स के उपस्थित रहने से उन बच्चों का भविष्य अंधकार में नजर आएगा और इसी को लेकर लगातार मांग की जा रही है कि जब तक नियुक्ति नहीं होती बाकी शिक्षकों की, तब तक जिनका स्थानांतरण किया गया है कहीं ना कहीं उनका भविष्य भी अब खतरे में नजर आ रहा है और इसी को लेकर ये फैसला लिया गया है कि जब तक वहां पर नए शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होती तब तक बाकी के शिक्षकों का स्थानांतरण भी रोका जाए और तब तक वो 160 छात्रों को वहां पढ़ाते हुए भी देखे जा सकते हैं।